तेरा हो गया। ये हैं साजन भाई, जिन्हें शराफत की जिंदगी रास ना आई। दिल के अच्छे हैं और जबान के सच्चे हैं, बड़े बड़े बदमाश उनके आगे बच्चे हैं। ये है तारा, इसका दिल है बहुत प्यारा, खूबसूरती और समझदारी दोनों ही मौजूद हैं, इसीलिए तो साजन अपना दिल हारा। ये है पप्पू, एक नंबर का निखट्टू, गुंडागर्दी छोड़ चुका है, शराफत का लिबादा ओढ़ चुका है। ये तारा की अम्मा है, ये किसी की बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि इन्हें किसी की कोई बात याद ही नहीं रहती। ये जिस इलाके में होती हैं, वहां से जराइम पेशा पनाह मांगते हैं। इनका नाम सुनकर मुजरिम थर थर कांपते हैं, पहले गोली बाद में बात। ये हैं इंस्पेक्टर सलमा दिलशाद। चल निकल। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मनहूस मारे, तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था कि तू बाजार में गुंडागर्दी करे और भत्ते वसूल करे। अम्मा मतलब, अरे लानत हो ऐसे काम पर जो किसी गरीब को तकलीफ देकर हो। अम्मा इसके अलावा कोई काम आता भी तो नहीं मुझे। अरे मेरे बच्चे, तू कुछ भी कर, चाहे तो कहीं नौकरी कर ले, मेरे बच्चे कहीं ठेला लगा ले, वो भी ना हो तो तू मेरे बच्चे कहीं भीख मांग ले, लेकिन खुदा के वास्ते ये काम छोड़ दे। लेकिन आंटी ये तो मुश्किल है ना। अम्मा इस बेचारे को क्यों मारा? लानत हो ऐसे काम पर जो किसी गरीब को तकलीफ देकर हो। अम्मा इसके अलावा कोई काम आता भी तो नहीं मुझे। अरे मेरे बच्चे, तू कुछ भी कर, चाहे तो कहीं नौकरी कर ले, मेरे बच्चे कहीं ठेला लगा ले, वो भी ना हो तो तू मेरे बच्चे कहीं भीख मांग ले, खुदा के वास्ते ये काम छोड़ दे। भाई भाई भाई, ये क्या बोल रहे हो साजन भाई? तुझे सुना नहीं दे रहा पप्पू मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सुनाई तो दे रहा है साजन भाई, लेकिन अचानक से धंधा छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी माँ को ये काम पसंद नहीं है पप्पू। अरे लेकिन माँ को मरे में काफी साल हो गए साजन भाई। बस पप्पू कुछ ढंग का काम करते हैं, बस कह दिया। ये भी तो ढंग का काम है साजन भाई। देखो जब भी आप इस इलाके में निकलते हो लोग सलाम ठोकते हैं, और क्या चाहिए? अबे नहीं चाहिए मुझे सलाम किसी का, बस कुछ ढंग का काम करते। चलो ठीक है साजन भाई, फिर एक दो दिन सोच लो, फिर फैसला कर लो। दो दिन बाद माँ की बरसी है और मैं सोच रहा हूँ उसकी बरसी से पहले पहले के सारे प्रोग्राम खत्म करके इज्जत की नौकरी शुरू करूँ। नौकरी में इज्जत किधर होती है साजन भाई, कुत्ते वाली जिंदगी होती है, कुत्ते वाली। यार तुझे जितना कहा है तू वो कर, तू मेरा बाप बनने की कोशिश ना कर। ठीक है साजन भाई, मिलते हैं फिर। अजीब आदमी।
आगे आना जरा, झुको। क्या हालत बनाई हुई है, ये बाल कल से कट जाने चाहिए, ठीक है? और तुम किसी पार्टी में आए हुए हो क्या? जीन्स पहनकर आ गए? यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? कल प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ। आज से मैं हूं इस इलाके की नई एसएचओ। आज से पहले यहां जो भी होता रहा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आज के बाद अगर मैंने किसी को यहां गलत काम करते पकड़ा तो साले को मारूंगी कम, घसीटूंगी ज्यादा। समझ आई? तुम बताओ यहां का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैडम, साजन भाई। साजन भाई बहुत बड़ा बदमाश है, पूरे इलाके के दुकानदारों से भत्ता वसूल करता है, और जो ना दे उसे साजन भाई के लड़के मारते हैं। तो तुम लोग किस खेत की बोली हो? तुम लोग क्या करते हो? मैडम, साजन भाई के डर से कोई कंप्लेन नहीं करता, तो हम ऐसे में क्या करें? मार्केट में सबको बता दो कि कल से कोई साजन भाई को भत्ता नहीं देगा। जी मैडम। क्योंकि साजन भाई का बुरा वक्त शुरू होता है अब से। निकलो तुम लोग। जी। अपनी हालतें ठीक करके आना कल। अम्मा मैं जा रही हूँ, याद से अपनी याददाश्त की। है, क्या हो गया? मैं कह रही हूँ कि मैं दफ्तर जा रही हूँ, यहाँ से अपनी आदाश की दवा खा लेना वरना सब भूल जाओगी। अरे सुन तो, शायदा ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया तेरे लिए। कुछ ही महीनों पहले तो मेरी नौकरी लगी है, मुझे पैसे जमा करके आगे की पढ़ाई मुकम्मल करनी है। अरे दफा कर इस नौकरी को, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? अम्मा मेरा शौक है। लेकिन मुझे तेरी ये नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मुझे तो पसंद है ना, अपनी दवा खा लीजिएगा याददाश्त की। अल्लाह हाफिज। सुन तारा, बात तो सुन। आए आए, कहना क्या था, भुला दिया इस लड़की ने मुझे, मेरा प्रोग्राम भी बीच में छोड़ दिया। वैसे साजन भाई, ये नौकरी है किस चीज की? देख, एक नौकरी है चाय बनाने वाले की, जो कि तू बहुत अच्छी बनाता है, वो नौकरी तू करेगा। और एक है चपड़ासी की, वो मैं कर लूंगा। खुदा का खौफ करो साजन भाई, मैं चाय बनाऊंगा और चपड़ासी की नौकरी करोगे? हाँ बनूंगा, क्योंकि मेरी माँ को खुशी मिलेगी इस तरह। इज्जत का जनाजा निकलवाओगे साजन भाई, अगर पूरे इलाके में किसी को पता चल गया ना कि साजन और पप्पू ये सब काम कर रहे हैं तो हमारी इज्जत तो गई। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ये करके रहूंगा बस। चोर, 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 चोर। ये क्या हो रहा है साजन भाई? मुझे लगता है किसी का पर्स छीना जा रहा है। और साजन भाई ये मत भूलो कि दो दिन पहले तक हम भी यही काम कर रहे थे। वो पहले करते थे, लेकिन अब हम शरीफ हो गए, शरीफों का काम है चोरों को पकड़। चोर, 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 चोर। चोर! भाई, 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 मैं किसी के भाई भाई नहीं, साले साले चल 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 चल। आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ।
आपको पता है मैं ऑफिस के लिए बस स्टॉप पे जा रही थी, तभी ये चोर आ गया था, मेरा पर्स छीन के भागने लगा। मैंने भी सोचा कि आखिर वक्त तक पीछा करूंगी, छोड़ूंगी नहीं, हराम के पैसे थोड़ी कमाती हूँ मैं। ज्यादा पैसे थे? नहीं ज्यादा पैसे तो नहीं थे, थे तो 1-2 हज़ार रुपए, लेकिन अगर 10 रुपए भी होते ना मैं तब तक आखिर तक पीछा करती। अरे हमारे मुल्क में लूट मारो का कितना राज है, छीना झपटी चोर चकारी भत्ताखोरी, और एक आम इंसान जाए कहाँ। हाँ बात तो सही बोल रहे हो आप। सजन भाई चले, देर हो रही है। तो मैं जाऊं? हाँ ठीक है, वैसे मैं फिर से बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। जाऊं? हाँ खुदा हाफिज। हाँ चलो फिर मैं भी उसी के बारे में सोच लेता हूँ। खबरदार किसी और के बारे में सोच। खाने में फिर से नमक डालना भूल गई हो? हैं? अच्छा छोड़ चुके हैं। ले जाके वहां मुर्गा बनाओ, बहुत बोल रहा है। अखा का तारा दिल मेरी हो गया, साजन में तेरा हो गया। साजन भाई पुटार लग रहा है यार। दूं तुझे एक उल्टे हाथ। चोरी चकारी करते वक्त डर नहीं लगता तुझे? शराफत की जिंदगी गुजारे तो तेरे होंठ नोच लूंगा। क्या टेंशन हो रही है यार, आपको टेंशन नहीं होती? नहीं मेरी जान, आज तेरे भाई को टेंशन नहीं हो रही क्योंकि आज तेरा भाई किसी के बारे में सोच रहा है। तारा तू मेरी हो गया, साजन में तेरा हो गया। किसके बारे में? वही चोर से जिसका पर्स उसको लेकर दिया था वापस। चलो फिर मैं भी उसी के बारे में सोच लेता हूँ। खबरदार किसी और के बारे में सोच। आप लोग यहाँ? आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ, मगर आप दोनों यहाँ कैसे? जी मैडम हम भी यहाँ जॉब करने आए हैं। वो असल में आपके इश्तिहार में अखबार पढ़ा था हमने। यार तुम अजीब फजूल बकवास करते हो बेवकूफ, सीधी बात करो। असल में आपके अखबार में हमने इश्तिहार पढ़ा था। हाँ लेकिन हमें तो एक टी बॉय और प्यून की जरूरत है, आप दोनों वो काम कर सकते हैं? जी जी हमने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने का फैसला किया, हम सब कर लेंगे। अब क्या मतलब? ये बच्चा बहुत फजूल बकवास करता है। ओ मैं आप दोनों की एहसान मंद हूँ, आप दोनों ने मेरा पर्स चोर से वापस ले लिया, ये जॉब तो मैं आप दोनों को ही दिलवाऊंगी। मैं बॉस से बात कर लेती हूँ, आप दोनों कल से ज्वाइन कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें दरअसल इस नौकरी की बहुत अशद ज़रूरत थी। ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने ज़रूरत खुद पैदा कर ली है, हम करेंगे काम। अच्छा ये जो है ना बच्चा, ये इसी सैलरी में ऑफिस के तमाम टॉयलेट्स भी साफ कर देगा रज़ाकाराना तौर पर। चिपका देगा। ये लो चलो खाना को पकड़ो रखो। आए हाय ये लो, बिस्मिल्लाह करो। पता है इतनी भूख लग रही थी। अम्मा खाने में फिर से नमक डालना भूल गई हो? हैं? अच्छा खाओ खाओ, कितना फीका खाना बनाया है। ये खाना मैंने बनाया? लो जी अब ये भी भूल गई कि खाना तुमने बनाया है। क्या करूं मैं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अम्मा याददाश्त की दवा खाई थी?
हाँ नहीं मुझे नहीं याद। बता के गई थी, बल्कि सामने रख के गई थी कि खा लेना। कौन सी दवा? अरे याददाश्त की दवा अम्मा। अच्छा दफा करो उस याददाश्त को। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ? मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। और मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है अम्मा। याददाश्त की दवा के ना नागा नहीं किया करो। किसी दिन घर से बाहर गई ना वापसी का रास्ता भूल जाओगी। मैं घर से क्यों बाहर जाऊंगी? नमक लेने के लिए दुकान पे जाना पड़ेगा। अम्मा किचन से ले आओ। अभी क्या भूल ना जाना। अरे नहीं 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 अभी आ जा। यार आज नौकरी का पहला दिन कुछ अजीब सा लग रहा है। जाहिर है साजन भाई, जब मेहनत करने की आदत ना हो ना तब ऐसा ही होता है। बड़ी जुबान चल रही है आज तेरी, क्या बात है? क्योंकि अब आप मेरे वो वाले साजन भाई नहीं रहे, अब आप दफ्तर में काम करने वाले एक मुलाजिम है। मुलाजिम जानता हूँ पप्पू, जानता हूँ तो इस नौकरी से खुश नहीं है, लेकिन क्या कह सकते, माँ की बात तो नहीं टाल सकता ना। ये भी है। चलो फिर देर हो रही है, चल फिर। चलो अब हो जाएगी सॉरी। बातचीत शुरू होने से पहले थोड़ा तारुफ हो जाए। तो आप हैं साजन साहब, जो इस इलाके के बहुत बड़े बदमाश हैं, और मैं हूँ इंस्पेक्टर सलमा गुलजार। मेरी जहाँ ड्यूटी होती है वहां सिर्फ एक ही बदमाश होता है, और वो मैं हूँ। अरे मैडम जी, लेकिन मेरी बात तो लेकिन बात नहीं हो रही। इंस्पेक्टर साहब मुंह बंद। लेकिन हम दोनों को छोड़ चुके हैं। ले जाके वहां मुर्गा बनाओ, बहुत बोल रहा है। तुम ऐसे ही खामोश रहते हो या आज मुझे देख के सांप सूंघोगे? देखिए मैडम, वो सही कह रहा था, हमने सब बुरे काम छोड़ दिए, अब हम शराफत की जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं। अच्छा, 900 चूहे खा के बिल्ली हंस पे चली, पागल समझ रखा है क्या? देखिए मैडम, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेटा एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा खेल ना अब खत्म हो चुका है। अपने गुनाहों का हिसाब देने के लिए ना तैयार हो जाओ। मैडम आप जैसा बोले वैसा कर दूंगा, मैं तैयार हूँ। बाइक पे उतर और खाने चल। मैडम ये बेचारी मोटरसाइकिल अकेले कहाँ यहाँ सड़क पे खड़ी रहेगी? आप पहुंचे बस, मैं मोटरसाइकिल पे पीछे पीछे आ रहा हूँ। ना 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 ना, पागल लगती हूँ मैं क्या? मैं भी साथ बैठूंगी। चलो मैडम, वो इस तरह बाइक को कितनी लगेगी? आप एक सेकंड जरा उतरती, मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिर बेशक बैठ जाइएगा। क्या गाड़ी रखी? पीछे लगाओ गाड़ी, जल्दी करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। मैडम गाड़ी स्टार्ट करो। वो तो गाड़ी की चाबी लेके भाग गए। शुक्र है बच गए, लेकिन एक बात बता दूं साजन भाई, इस तरह हम ज्यादा देर बच नहीं सकेंगे। देख पप्पू, अगर शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात ही अच्छी करनी चाहिए। खाक अच्छी बात करूं जब हालात ही अच्छे नहीं है तो? आ जा। ये करेक्शंस कर। मैंने कहा था कि इस ऑफिस में टाइम की पाबंदी करनी होगी। मैडम जी माफी चाहते हैं, ट्रैफिक में फंस गए थे जी। हमारे बॉस गुस्से के बहुत तेज हैं और टाइम के पाबंद भी, सबसे पहले ऑफिस आ जाते हैं और ऑफिस आते ही उनको चाय या कॉफी चाहिए होती है। मैं फिर से कह रही हूँ कि टाइम की प्लीज पाबंदी रखो। मेरी वजह से नौकरी लग तो गई है, अगर बॉस ने थोड़ा सा भी गुस्सा किया ना, ये नौकरी जा भी सकती है।
का तारा तू मेरी हो गया साजन मैं तेरा हो गया याद च तेरी लिखदा लिखदा माया मैं शायर हो गया लग जावे छावे तेरी रब तो मंगदा रहा ले जा जग तो जिते वसना है प्यार तेरा ले जा दरिया दी छावे बैके तक दारा चेहरा ऐसे क्या देख रहे हो ऐसे क्या देख रहे हो मैं कह रही हूं ऐसे क्या देख रहे हो जी मैं तुमसे बात कर रही हूं और तुम मेरी शक्ल देख रहे हो भंड हो वो मैं आपकी माजरत को चाहता हूं आइंदा ख्याल रखना नहीं तो अगली बार इस माजरत से भी कुछ नहीं होगा जी बेफिक्र रहे मैडम अगली बार से जल्दी आएंगे आओ मैं काम समझाती हूँ चलो एक काम करो कल की सारी अखबारों में उसकी तस्वीर लगा दो ये है क्या शराफत की जिंदगी का पहला दिन बुरा नहीं आपकी फर्ज मेरा मदद मेरा फर्ज आपकी मदद करना है तो है आपकी फर्ज मेरा मदद मेरा फर्ज आपकी मदद करना है तो है अखा दा तारा तू मेरी हो गया साजन मैं तेरा हो गया अखा दा तारा तू मेरी हो गया साजन मैं तेरा हो गया समझता क्या है अपने आप को दिलशाद को चकमा देकर भाग गया एक बार मेरे हाथ लग जाए मार मार के साले की खाल उधेड़ दूंगी सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है सॉरी मैडम एक काम करो कल की सारी अखबारों में उसकी तस्वीर लगा दो जी मैडम दो दिन के अंदर अंदर अगर साले को पकड़ के लॉकअप में बंद ना किया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर सलमा दिलशाद जी मैडम ये तो आप कर लेंगी वैसे पप्पू ऑफिस में आज पहला दिन बुरा नहीं गया है हाँ साजन भाई चाय बनाने का तजुर्बा मेरे काम आ गया बात सुन ये ऑफिस के लोग तेरी चाय को बड़ा पसंद कर रहे थे क्यों ना पसंद आती पप्पू उस्ताद ने जो बनाई थी ये है क्या शराफत की जिंदगी का पहला दिन बुरा नहीं हाँ लेकिन वो जो सुबह सुबह डांट पड़ गई ना वो मजा नहीं आया साजन भाई खैर है पप्पू इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना कभी कभी उसकी डांट भी खानी पड़ जाती है अब क्या हुआ आपको लगता है वो आपसे मोहब्बत करती है हाँ तो नहीं भी करती तो करने लगेगी हम कौन सा चोर डाकू है शरीफ लोग जेंटलमैन बड़ी खुशफहमी है आपको वैसे है तो सही पप्पू और होनी भी चाहिए साजन भाई आप एक बात भूल रहे हैं वैसे कि वो पुलिस वाली अभी तक हमारे पीछे पड़ी है और वजह क्या है वो बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ पप्पू बंद पुप्पू ना बंद गोली मार ऐसी हजार देखी हमने चलो साजन भाई फिर सलाफ मारो और चलो अरे अरे आप लोग गए नहीं वो हम लोग जा ही रहे थे कि आपको यूं अकेले जाता देखा तो रुक गए आप पैदल किधर जा रही हैं यही सामने बस स्टॉप पे अरे बस स्टॉप की तरफ पैदल क्यों जा रही हैं साजन भाई आपको खुद मोटरसाइकिल पे छोड़ेंगे
इसकी कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को जहमत होगी। अरे नहीं नहीं, इसमें जहमत की क्या बात है, ये तो देखे, ये तो फर्ज है मेरा। मुझे घर ड्रॉप करना आपका फर्ज कैसे है? वो ऐसे कि आपको इस तरह यूं मुश्किल में जाते हुए देखकर तो आपकी फर्ज, मेरा मदद, मेरा फर्ज आपकी मदद करना है तो है। आप लोग रहने दें, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं साजन भाई, आपको खुद छोड़ेंगे आप। मैडम आए तो सही, बैठे तारा जी, बैठे आ जाए, बैठे बैठे पप्पू अच्छा नहीं लगता। बैठे तो सही आप, बैठे 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 साजन भाई, इनको घर तक छोड़ के आना है, ठीक है? ये पप्पू की आदत आपको खामखा मार दे। कोई बात नहीं यार, साजन भाई अच्छा नहीं किया यार, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से जाना, अच्छा नहीं किया, चले ठीक। थैंक यू साजन। गाली तो ना दे मुझे। मैंने कब गाली दी? ये जो आपने थैंक यू बोला, ये यहाँ गाली की तरह लगा मुझे। तुम भी ना। आप यहाँ रहती हैं? हाँ, ये हमारा घर है, अंदर आओ ना। नहीं नहीं, फिर कभी सही, देर हो रही है, मैं इंशाल्लाह फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ये मेरी अम्मा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा है कौन लड़का? हाँ, हमारे ऑफिस में काम करता है। अरे तुमने मुझे बताया था ना कि ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करता है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और बहुत जल्द शादी करने वाले हो। क्या? हाँ तुम्ही ने तो मुझे बताया था, भूल गई? मैंने कब कहा है? अल्लाह, तुमने मुझे कहा था ना कि कोई है। अम्मा खुदा का वास्ता चुप कर जाओ। अच्छा चलो दूर हटो, पहले मैं अपने दामाद को थोड़ा प्यार तो कर लूं, अच्छी तरह देख तो लूं। अम्मा अंदर चलो, अंदर चलो। क्या? अंदर चलो, चलो तुम भी चलो ना। साजन खुदा हाफिज। चले अम्मा। हाय हाय, अंदर तो आ जाता, चाय वाय पी लेता। अल्लाह हाफिज। चलो 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 चलो। सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। मुझे बहुत पसंद आया तो। मैं आपके लिए हमेशा दुआ करूंगा, हमेशा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाय। अच्छा अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, इंशाल्लाह सलामत रहे हमारे सर पे आप। क्या क्या करना पड़ रहा है शराफत में यार। पप्पू एक सेकंड। जी जी मैडम। ये बॉस को दे दो। जी जरूर, जी जरूर। अच्छा तो बॉस से आपकी बात हो गई इस प्रोजेक्ट के बारे में? हैं? और फाइल रेडी हो गई है? तेरी मेरी तस्वीर तो नहीं लगी कहीं? सही है, हम तो गए। अबे अब क्या होगा? ये तो प्रोफेशन बदलने से पहले सोचना चाहिए था ना। बकवास बंद कर पप्पू, अगर मैं फंसा तो मैं तुझे भी मुश्किल में फंसा दूंगा, याद रखना। और मुझे मुश्किल में फंसने का शौक नहीं है, बताओ करना क्या है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। अगर बॉस ने अखबार में मेरी ये छपी तस्वीर देख ली तो। आइडिया। कैसा आइडिया? बॉस अब आपकी तस्वीर देख नहीं सकेंगे। वो कैसे? सर यहाँ रख दो चाय। अरे भाई मैंने कहा यहाँ रख दो चाय। जी सर। ये क्या है? सर हमारी जुबान में तो उसे अखबार ही कहते हैं, आप तो पता नहीं क्या कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये दरमियान से फटा हुआ क्यों है? पता नहीं, रुको जरा। तारा तुम मेरे रूम में आओ फौरन। यस बॉस। यस सर। ये क्या है, तुमने अखबार लेते हुए अखबार देखा नहीं था? अखबार वाला फटा हुआ अखबार दे गया, तुमसे इतना सा काम नहीं होता? अरे सर थोड़ा सा अखबार फटा है और उसमें भी इश्तिहारात वगैरह होंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। सर मैं माजरा चाहती हूँ, मैं कल अखबार वाले को बता दूंगी। मुझे अपने दफ्तर के रिसेप्शन पर एक होशियार इंसान की जरूरत है, अगर तुम्हारे होशो आवाज ठीक नहीं है तो बता दो, मेरे पास और भी लोग हैं इस नौकरी के लिए। ये अखबार मैंने फाड़ा था। जी हाँ ये अखबार मैंने फाड़ा था। मगर क्यों? क्योंकि
उस पर चाय गिर गई थी। तो ये अच्छी बात तो नहीं कि बॉस के सामने एक गिरी हुई चाय वाली अखबार पेश की जाए, तो इसलिए इस आदमी को तुमने नौकरी पे रखा है? जी सर। इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। बोला ना मैंने सर वो मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगी। आइंदा गलती का कोई चांस ही नहीं है, आइंदा गलती की तो ऑफिस से बाहर ढूंढ लेना कोई और नौकरी। अब जाओ यहां से, मुझे काम करने दो। जी सर। तुमने वाकई अखबार फाड़ा था? नहीं। तो फिर अंदर क्यों बोला? बस वो बॉस आपको डांट रहा था ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, कह दिया मैंने। इसलिए तुमने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया? हाँ। लेकिन क्यों? बस इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। तुम्हें इस तरह अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी चाहिए। क्या रेपुटेशन होती है पीएन? होती क्या है? बस आपको कोई मसला हो, ये बात मुझे गवारा नहीं है। थैंक यू। और मुझे तुम्हें कल के लिए भी शुक्रिया अदा करना था, मगर अम्मा आ गई, और हाँ उन्हीं की वजह से माजरत भी करनी थी। वो वैसे अम्मा सच बोल रही थी क्या? क्या क्या आपको ऑफिस में कोई पसंद है? नहीं 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 नहीं, मेरी अम्मा को भूलने की बीमारी है, वो सुबह का कुछ कहकर शाम में भूल जाती हैं, बस फिर कवर अप करने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। ऑफिस से बाहर? नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही वो थोड़ा इंक्वायरी वगैरह कर लेंगे लड़के के बारे में कि क्या है क्या करता है, थोड़ा थोड़ा खींच देंगे, टाइट कर देंगे जरा, आपके काबिल है भी कि नहीं। अच्छा चलो काम करो और मुझे भी करने दो। बहुत बड़ा बदमाश गुंडा, हाय मेरे खुदाया, पुलिस इसको तलाश कर रही है। फिलहाल जल्दी से चाय खत्म करो, चलो यहाँ से। चल यार। जल्दी किस बात की है बेटा, एक तू सच्चा है और एक ये सच्चा है, सालों पागल समझ रखा है क्या? हाँ। क्या मतलब? साथ, इसको क्या हो रहा है भाई? उसको क्या हो रहा है? आज का अखबार लाओ। ये लीजिए मैडम। अब देखती हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाता है साला। मैंने दोपहर का खाना खाया है या नहीं? पेट तो भरा भरा लग रहा है, हो सकता है खा लिया होगा। अरे कुछ करने को ही नहीं है तो चलो अखबार ही पढ़ लेती हूँ। कौन सी खबरें हैं आज? मुझे क्यों लग रहा है कि इस शख्स को मैंने बहुत करीब से देखा है? कहाँ देखा है? कहीं ना कहीं तो देखा है, मगर याद नहीं आ रहा। ये हाय 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 हाय, ये तो वही है जिसे तारा पसंद करती है, लिखा है इसके बारे में कि ये बहुत बड़ा बदमाश गुंडा, हाय मेरे खुदाया, पुलिस इसको तलाश कर रही है। ओए मेरी बच्ची, ओए मेरी बच्ची, अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना, अब क्या होगा? ओए तारा है तो मैं उसको बताती हूँ उसके बारे में, मैं
ऐसा करती हूँ कि अखबार छुपा के रखती हूँ ताकि सबूत रहे और तारा को मेरी बात पे यकीन है। कहाँ छुपाऊँ? कहाँ से बदतमीज गुंडा टकरा गया मेरी बच्ची को? अल्लाह खुल बाबा, अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। इस गुंडे बदमाश को तो मैं धक्के दे के निकलवाऊंगी। अम्मा, अम्मा, ये घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? अंदाजा भी है कि शहर के हालात कितने खराब हैं। वो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ अम्मा? वो मैं कह रही थी कि अरे क्या वो लगा रखी है, बोल भी दो। हाँ नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन बात बहुत जरूरी थी। जब याद आए ना तब बता देना। अरे रुको, तो याद ही नहीं आ रहा, भूल गई, पता नहीं क्या कहना था। अम्मा तुमने फिर से अपनी दवा का नागा किया है ना? हाँ नहीं, शायद नहीं किया करो ताकि मसला ना हो। सुन तो, यार पप्पू मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या क्या क्या, इसमें तो हैरान होने वाली क्या बात। अरे हैरानी वाली बात तो होगी ना साजन भाई, जो इंसान दूसरों का माल छीनता था, जो उसका अपना दिल चोरी हो गया, तो क्या हैरानी नहीं होगी? आहिस्ता बोल पप्पू, क्या कर रहे तू? वो मेरा माजी था, मैं अब शरीफ इंसान हो गया। वैसे अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है साजन भाई, तो ये वो अपनी ताराबाजी है ना? हाँ यार, तारा बड़ी अच्छी लड़की। लेकिन साजन भाई आप भूल रहे हैं, वो हमारे माजी के बारे में कुछ नहीं जानती। पता चलेगा भी नहीं। अरे मेरे प्यारे साजन भाई, मोहब्बत ना झूठ की बुनियाद पे नहीं होती। लेकिन अगर सच का पता चल गया तो मोहब्बत शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी दोस्त। अभी फौरन नहीं साजन भाई, लेकिन बाद में कोई ठीक मौका देख के तारा मैडम को बता दीजिएगा। डर लगता है पप्पू। किस बात से? अगर उसे मेरे माजी के बारे में सब पता चल गया तो सारी मोहब्बत पे लानत फिर जाएगी। अरे साजन भाई, अभी हम दोनों की जिंदगी में और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इससे अगर आप अपने मोहब्बत के चैप्टर को थोड़े दिन बंद रखें ना, तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। जानता हूँ पप्पू, जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जब भी उसको देखता हूँ यार, मेरी सारी मुश्किलें, मेरी सारी परेशानियां ऐसे गायब हो जाती है। मेरा बस दिल चाहता है मैं। अरे बस 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 साजन भाई बस, कंट्रोल। आपके दिल में क्या चल रहा है ये जानने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। फिलहाल जल्दी से चाय खत्म करो, चलो यहाँ से। चल यार। जल्दी किस बात की है बेटा, थोड़ी देर और बैठ जाओ, एक चाय का कप हमारे साथ भी हो जाए। मैंने कहा था ना मुझसे बच नहीं सकते, भागने की ना कोशिश भी मत करना बेटा। उस दिन तो मैं अकेली थी, आज पूरी नफरी साथ लेकर आई। चारों तरफ से घेरे में हो तुम लोग, और अगर भागने का बहुत दिल चाहे तो सोच लेना कि बंदूक की गोली से तेज नहीं भाग सकते। मैडम आप हमारी वजाहत भी तो सुन लें। सारी वजाहत हो जाएगी लेकिन थाने चले गए। चाय हो जाए। साला शक्ल से तो बहुत मासूम लगते हो तुम लोग, फिर ये गुंडे बदमाशों वाले काम क्यों करते हो? करते थे मैडम। चुप करो। मैडम ये सच बोल रहा है, हम पहले ये काम करते थे, अब नहीं करते। हाँ एक तू सच्चा है और एक ये सच्चा है। साला पागल समझ रखा है क्या? हाँ क्या मतलब? नहीं 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 मैडम जी सॉरी, आप हमारी बात का यकीन करें, वो अब हम ऐन रिस्के हलाल कमाते हैं, अब हमने सारे बुरे काम छोड़ दिए। जी मैडम जी, साजन भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं। ना भाई ना, सालो तुम लोग जलते तवे पे भी बैठ जाओ ना,
तो भी तुम लोगों की बात का यकीन नहीं करो। मैडम आप हमारे साथ दफ्तर जाकर देख लें और यकीन कर लें इस बात का कि हम क्या काम करते हैं। अच्छा क्या काम करते हो दफ्तर? जी मैं पियन हूँ और ये वहाँ पे चाय बनाता है। फिर ठीक है, इसके अलावा कुछ बताते तो मुझे यकीन भी ना आता। मैडम हम सच बोल रहे हैं। अच्छा तो फिर उस दिन भागे क्यों थे? वो भी पुलिस मोबाइल की चाबी लेकर। वो उस दिन थोड़ा सा डर सा गए थे। तो जब सारे बुरे काम छोड़ चुके हो तो फिर डर किस बात? इसी बात का तो डर था कि चूंकि सारे बुरे काम छोड़ दिए थे तो कहीं बुरे कामों की सजा अब ना मिलना शुरू हो जाए। सजा तो मिलेगी बेटा, सजा से नहीं बच सकते। मैं लंच ब्रेक के लिए जा रही हूँ, इन लोगों को ये बिठा के रखो। उसके बाद मैं इन लोगों के साथ इनके ऑफिस जाऊंगी और देखती हूँ कि साजन साहब क्या काम करते हैं। बिठा के रखना इन्हें। सर आप भी बैठ। अच्छा चलो शुक्र है मैडम को हमारी बात पे यकीन तो आया। अरे क्या हाँ शुक्र है, अकल है आपको? क्यों आपको तारा मैडम पसंद है? और आप नहीं चाहते कि तारा मैडम को आपके माजी के बारे में कुछ पता चले? जाहिर है। तो जब ये मैडम हम दोनों की तफ्तीश करने उस दफ्तर जाएगी तो क्या ये बांडा फूटेगा नहीं? यार पप्पू ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो सज्जन भाई, ये आपका मसला है, कुछ करने से पहले सोचते ही नहीं हो यार। कितना होगा क्या? यहाँ से भागना पड़ेगा सज्जन भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पप्पू कैसी फजूल बातें कर रहे हैं, यहाँ से हम कैसे भाग सकते हैं बेवकूफ? मेरे पास एक आईडिया है। ये लो सज्जन भाई, ज्यादा सोचो मत, बबल खाओ, खाओ बबल खाओ। पागल आदमी को टाइम है बबल खाने का। भाई जान ये गिराऊं किधर, डस्टबिन किधर है? वहां पे बबल खाओगे? बहुत मजे की है, ये लो। खाओ 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 ना, मैडम को नहीं पता चला, खाओ। साजन भाई अब तुम दस तक गिनती करो। है एक दो तीन चार पांच छः सात। इसको क्या हो रहा है भाई, उसको क्या हो रहा है? इसको मारो गोली, पहली फुर्सत में निकलो। चलो पागल है तू, क्या कर रहा है? चलो साजन भाई भागो। अबे यार तुमने क्या सोच कर इन दोनों को नौकरी पे रखा है? तुम्हें मालूम है ना सुबह ऑफिस आते मुझे चाय चाहिए होती है। सर मैं तो फोन मिला रही हूँ, फोन पिक ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? लो आ गए दोनों निकम्मे। तारा ना तो खुद तुम्हें कोई काम आता है ना काम लेना आता है। सर लेट ये लोग हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? तुम मुझसे जबान मत चलाना, समझी तुम? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम जैसे दो टके के इंसान मुझसे जबान। ओए दो टके के साले खबीज बुड्ढे, इधर ही तेरी लाश गिरा के चीलों को डाल दूंगा, समझा तू? छोड़ो दफा हो जाओ मेरे ऑफिस से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। पुलिस को कॉल करने की अगर कोशिश भी की ना तो तेरे दोनों हाथ काट के तेरी जेब में घुसाड़ दूंगा। तू जानता नहीं भी मैं कौन हूं। अरे वाह साजन भाई, बड़े अरसे बाद आपका ये रूप देख के मजा ही आ गया। थूकता नहीं तेरी मैं नौकरी में। चल पप्पू। सच सच बताओ, तू भी तो नहीं उनके साथ मिला हुआ? नहीं मैडम, आप चाहे तो किसी की भी कसम ले ले। तुम जैसे शरीफ दिखने वाले लोग गुंडे थे? तो ये साला पप्पू सब कुछ बता के कहां दफा हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है? अखा दा तारा,
सच बताओ, तू भी तो नहीं उनके साथ मिला हुआ? नहीं मैडम, आप चाहें तो किसी की भी कसम ले ले। तो ऐसे कैसे भाग गए, थाने से कैसे भाग गए? मैडम उन्होंने मुझे च्युइंगम खिलाई और वो मैं खा के बेहोश हो गया और वो फरार हो गए। अबे साले लालची, 2 रुपए की च्युइंगम के लिए अपना ईमान बेच दिया, खुद से लेकर नहीं खा सकते थे तुम? मैडम मुझे क्या पता था। इसका मतलब है सब झूठ था, कोई शराफत की जिंदगी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिलशाद की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अब जहां नजर आएंगे गोली मारूंगी, दफा हो जाओ यहां से। ये लो, ये तुम दोनों के 5 दिन के काम के पैसे हैं। ओ जी, नौकरी तो रही नहीं, सोचा कुछ बातें आपको सच सच बता दूं। हैं कैसी बातें? दरअसल आज जो हम लेट हुए ना, हमें वो पुलिस उठा के ले गई थी जी। क्या मतलब पुलिस? अपना माजी कुछ ठीक नहीं मैडम जी, अब क्या बताएं आपको जी। हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, चोरियां डकैतियां करते हैं, अपने साजन भाई नहीं बड़े वाले, बस जी पढ़े लिखे नहीं है। एक दिन उनकी माँ उनके ख्वाब में आई, उनको थप्पड़ मारा जोर से कि यार बुरे काम छोड़ दो, अच्छी नौकरी करो, कुछ 2-4 पैसे कमाओ, हक हलाल के कमाओ। तो हमने कहा ठीक है, हम नौकरी कर लेते हैं, लेकिन पुलिस जी पीछा नहीं छोड़ती, अब क्या करें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसे शरीफ दिखने वाले लोग गुंडे थे। जी मैडम जी सुनिए, आपको एक और बात बतानी है। अपने साजन भाई हैं ना, वो आपसे मोहब्बत करने लगे हैं दिल से, तो बहुत अच्छे आदमी हैं, देखिए अगर आप उनको अपना लें जी। हमारे पीछे तो पुलिस पड़ी है, मैं तो ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ। अगर हो सके तो साजन भाई की नौकरी कहीं और लगवा देना, ताकि वो वापस इन बुरे कामों में ना पड़े और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब पूरा कर सके। मैडम चलता हूँ मैडम, अल्लाह। आप यहाँ इतने हैरान क्यों हो रहे हो? अगर तुम यहाँ हो सकते हो तो क्या मैं नहीं हो सकती? मेरा मतलब था कि मैं... अपना मतलब छोड़ो और मेरी बात सुनो। पप्पू ने मुझे सब बता दिया। क्या सब? कि तुम्हें गुंडे हो। पप्पू की तो ऐसी की तैसी। उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले क्या थे। मेरे लिए ये अहम है कि तुम अब क्या। लेकिन पता नहीं आप मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी। तुम्हारे बारे में तो अभी मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही हूँ। वो क्या? यही कि तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कैसे किया जाए। पप्पू ने मुझे बताया है कि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो ये साला पप्पू सब कुछ बता के कहां दफा हो गया? तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तो मेरे साथ मेरे घर चलो, इस तरह तुम सेफ भी रहोगे, पुलिस को शक भी नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप किसी मसले में पड़े। और कोई मसला नहीं होगा, I promise। अच्छा तो आप बता रही हैं कि चोर ने पहले मदद के बहाने आपसे सामान लिया और उसके बाद गली के कोने पे पर्स और सामान रख के चला गया, जबकि कैश लेके फरार हो गया।
हाँ हाँ यही कहा है मैंने। लेकिन उसके बाद चोर गया कहाँ? जहन्नुम में गया। मुझे मालूम होता कि वो कहाँ गया तो मैं उसके पीछे ना जाती, पुलिस स्टेशन क्यों आती? अच्छा अच्छा इसे देखिए, क्या ये तो नहीं था वो? नहीं ये नहीं था। एक मिनट फिर से दिखाओ मुझे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है? शायद कभी घर आया हो। क्या घर आया था आपके? नहीं नहीं लेकिन घर क्यों आएगा मेरे ये? शायद रास्ते में देखा हो। अरे दफा करो हटाओ इसे। लेकिन ये वो शख्स नहीं है जिसने मुझसे पर्स छीना था। अरे अम्मा जी आप जहन पे जोर तो दें, सोचे सही। अरे कैसे सोचूं, मुझे भूलने की बीमारी है, याद नहीं आ रहा। अच्छा इसे देखिए। अरे हाँ यही है वो, यही है वो, इसी ने मुझसे मेरा पर्स छीना। लफंगा लोफर गुंडा कहीं का, शक्ल से कितना मासूम लग रहा है। हाथ में आ जाए ना तो जूतियां मार मार के इसका मुंह लाल कर दूं, और इसने जो बाल बनाए हैं ना इसके बाल खींच के इसका गंजा बना दूं। हमें तो बता रहे थे कि शराफत की जिंदगी शुरू कर दी है और सब छोड़ दिया, लेकिन रूट मार तो अभी तक जारी है। तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं अम्मा, देखते हैं इनको। अम्मा अम्मा, लगता है कि अम्मा घर पे नहीं है, तो तुम कुछ दिनों के लिए यहीं पर रह सकते हो। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं अभी जाके ना अम्मा भी आ गई वजीफा करती। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, तुम कब आई हो? मैं तो अभी अभी आई, आप कहाँ थी? अरे क्या बताऊँ, एक मनहूस चोर मेरा पर्स ले उड़ा, उसी की रिपोर्ट करवाने थाने गई थी। ओहो तुम कौन हो भाई? अम्मा याद है ना मेरी एक दोस्त है शगुफ्ता। हाँ शगुफ्ता तो याद है, लेकिन ये इतनी मर्दाना मर्दाना से क्यों लग रही है? अम्मा ये शगुफ्ता का भाई है। हाँ तो ऐसा कहो ना। हाँ फिर ठीक है। यहाँ पर नौकरी के लिए आया है। हमारे घर? नहीं नहीं हमारे घर पे नहीं, कराची शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया है। अभी इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो मैंने कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम हमारे घर रह लो। है किस खुशी में, क्यों रहेगा यहाँ? अम्मा वो मेरी दोस्त का भाई है। अच्छा अगर यहाँ रहेगा तो मुफ्त में नहीं रहेगा, इसे काम करना पड़ेगा। जी काम मतलब? मतलब क्या, कौन से इतने ज्यादा काम हो गए? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, बर्तन धोना, ज्यादा काम नहीं है। और कभी कभी सौदा सेल पे आना। और खबरदार सौदे के पैसों से अगर डंडी मारी ना तो मैं हिसाब की बहुत तेज हूँ, हलक से निकाल लेती हूँ पैसे। अम्मा वो हमारा मेहमान है, नौकर नहीं। अरे रहने भी दो, मेहमान एक दिन का होता है, और जो एक दिन से ज्यादा रहे वो वबाली जान बन जाता है। नहीं नहीं माँ जी कोई बात नहीं, आप जैसे कहेंगी मैं काम काज कर लूंगा। अच्छा तो फिर नेक काम में देर कैसी? चलो मैं तुम्हें सारे काम समझा देती हूँ, डरो नहीं ज्यादा काम नहीं। चल 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 चल। जी अच्छा जी। बर्तन बहुत जमा हो गए, सुबह को मैं निकल गई थी तो सारे बर्तन ऐसे ही पड़े। बदबख्त अभी तक पड़ा सो रहा है, ऐसे नहीं उठेगा ये। उठ उठ, उठ सुबह हो गई है, उठ जा। आंटी खुदा का वास्ता मुझे थोड़ी देर और सोने दे, खुदा का वास्ता मैं। अरे ना भैया ना, हमारे घर का रिवाज नहीं है
दिन चढ़े तक जब कोई सोता है ना तो घर में नहुसत फैलती है। मनोज कहीं का सारा वक्त सोता रहता है। एक मिनट में आ जाओ। आ गया। ओ मेरे वाह रे साजन भाई वाह, एक जमाना था तेरी दहशत थी, एक इशारे पे मार्केटों की मार्केटें बंद हो जाती थी और अब लोगों के घरों की सफाइयां झाड़ू मारने पड़ रहे हैं। झाड़ू कुछ कह भी नहीं सकते। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे तो लगता है तुम थाने से नहीं पागल खाने से आई हो। तुम अच्छी तरह जानती हो अगर पुलिस को पता चल गया कि तुमने मुझे अपने घर छुपा रखा है तो मेरे साथ तुम भी जेल चली जाओगी। याला, ये तो वही लड़का है। हाय हाय, हाय अल्लाह, मैं भाग गया। हाय अल्लाह, आँखें बता रहा तू मेरी हो गया, साजन मैं तेरा हो गया। कौन है? दिलशाद, इंस्पेक्टर सलमा दिलशाद। किससे मिलने? आप इसे जरा रास्ता देंगी? आप ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकती हैं। अरे बेटा, हम पुलिस वाले हैं, हम कहीं भी बगैर परमिशन के घुस सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, आपने कल जो कंप्लेन करवाई थी उस सिलसिले में आई हूँ। मैंने कब कंप्लेन करवाई? कल आप थाने आई थी ना? हैं? उस बंदे को हम ढूंढ लेंगे और बहुत जल्द पकड़ भी लेंगे। अरे किसके बंदे को ढूंढ रही हो? वही जो आपका सामान और पर्स लेके भागा था। मेरा सामान और मेरा पर्स कब, कौन चीन के भागा? अम्मा जी, आप कल थाने आई थी ना? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे तो लगता है तुम थाने से नहीं पागल खाने से आई हो। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? और मैंने तो कभी थाने का रास्ता ही नहीं देखा। आप इनको छोड़ें, आप मुझसे बात करें। इसे जानती हो? नहीं। तुम्हारी माँ ने तो बताया था कि इस शख्स को उन्होंने इस घर में या इसके इर्द गिर्द देखा। मेरी माँ को भूलने की बीमारी है, उनको थाने का रास्ता भी याद नहीं रहता है। और अगर आप ऐसी औरत का भरोसा कर रही हैं तो फिर आपका तो खुदा ही हाफिज है। मैडम इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि आप बगैर पूछे मेरे घर में खड़ी हुई है। घर के अंदर कोई और भी है क्या? मासी है, काम करने के लिए आई है। कहीं तो उससे भी मिलवा देती हूँ। आए? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तकलीफ के लिए माजरत। ख्याल रखना अपना। हाँ, चाय में पी के जाती। तो फिर उन्होंने तुम्हारी पिक्चर दिखाई और मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें जानती हूँ या नहीं, तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो अगर पुलिस को पता चल गया कि तुमने मुझे अपने घर छुपा रखा है तो मेरे साथ तुम भी जेल चली जाओगी। मालूम है। फिर भी? हाँ फिर भी। यही तो पूछ रहा हूँ कि मेरी खातिर तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और उस दिन इसीलिए बॉस का गिरेबान भी पकड़ लिया था। वो मतलब पप्पू ने मुझे सब बता दिया। तो ये पप्पू नहीं है, ये किसी बच्चे की पुप्पू है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम पप्पू को छोड़ो ना छोड़ो वो मेरा मसला नहीं है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। छोड़ो।
मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो, क्योंकि मैं भी अब तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो फिर मैं हाँ समझू? अब क्या लिख के दूँ? नहीं नहीं, पढ़ेगा कौन। अच्छा, आज रात अम्मा से बात कर लेना, ठीक है? जो हुक्म सर, जो हुक्म। अम्मा, 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 आए है, क्या हुआ? साजन कुछ तुमसे बात करना चाहता है। हाँ बोलो, क्या बात है? आंटी। माँ जी। माँ जी, मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी तो ऐसे कह रहे हो जैसे फांसी चढ़ना चाहते हो, तो कर ले शादी, मुझसे क्यों इजाजत ले रहे हो? मैं तुम्हारी कोई माँ लगती हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप समझी नहीं। वैसे एक बात सुनो, वलीमे में कोरमा बकरे के गोश्त का रखवाना, जरा महंगा पड़ जाएगा लेकिन ईमान से बकरे का कोरमा खाने में मजा आ जाता है। अम्मा, उसको बोलने तो दो। हाँ सुन तो रही हूँ, बोलो। आंटी। माँ जी। माँ जी, मैं तारा से शादी करना चाहता हूँ। तब भी वलीमे में कोरमा बकरे का क्या? एक मिनट, क्या बोला तूने? हाँ क्या बोला? साजन ने कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। हैं? और तुम भी इसे पसंद करती हो? हाँ, और मैं भी इसे पसंद करती हूँ, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इंसान कैसा है? बहुत अच्छा इंसान है। माँ जी, मैं बहुत बेहतरीन इंसान। तुम चुप करो, मैं इससे बात कर रही हूँ ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये है कौन? अरे मैंने बताया था ना, मेरी दो शगुफ्ता, उसका भाई साजन। कब बताया था? अम्मा जब ये यहाँ रहने आया था। अच्छा, ये यहाँ रहता था? हाँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों राजी हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? इधर आ, सामने आ। सामने आ, मुंह बाद में खोलना। ऐसे नहीं, ऐसे देखो। हाँ ठीक है। अम्मा क्या देख रही हो? अरे इसके आंखों का रंग देख रही थी, क्योंकि बिल्ली की आंखों का तो रंग नहीं है, ऐसे लोग बहुत बेवफा होते हैं। माँ जी यकीन जानिए, मेरी आंखों का रंग बिल्ली की आंखों जैसा नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ऐसा करो कि कल तुम दोनों शॉपिंग पे चले जाओ और अगले जुमे को हम निकाह रख लेते, खुश? ठीक है आंटी। मैं माँ जी मैं अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी की किस्मत खोल दी, मेरी तो दिली मुराद पूरी होगी। मैं देखूं तो सही मैंने कौन कौन से इसके लिए कपड़े जमा किए, मैं इतने दिनों से तैयारियां कर रही हूँ। आए हाय, ये तो देने के हैं नहीं, इसको तो उठा के ना दूर करूं। ये कहाँ रखती है? ये अखबार कहाँ से आ गया कपड़ों में? ये किसने रख दिया अखबार यहाँ? अल्लाह, ये तो वही लड़का है, हाय हाय हाय, जिसको तारा पसंद करती है। हाय, किस चक्कर में पहुंच गई मेरी बेटी? ये तो गुंडा बदमाश, हाय पुलिस ढूंढ रही है। मैं जाके पुलिस को फोन करती हूँ, अभी जाके पुलिस को फोन कर। मैडम आपके लिए फोन आया। हेलो, दिलशाद स्पीकिंग। क्या आप परेशान मत हों, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ नफरी लेकर। बस आप उसे कहीं जाने मत दीजिएगा और ख्याल रहे उसे कुछ बताइएगा मत, ठीक है? मैं पहुंच रही हूँ। गाड़ी निकालो, शिकार फंस चुका। ठीक है मैडम। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे साजन? अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हो रहा है? तारा,
ये आदमी ठीक नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा और बदमाश है। मैंने तो पुलिस को भी फोन कर दिया। अम्मा एक सेकंड मेरी बात सुनो। अरे पहले तू मेरी बात सुन, इससे पहले कि मैं भूल ना जाऊं। ये जो साजन भाई है ना, ये बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, अखबार में इसकी तस्वीर आई हुई है, मैंने तो पुलिस को बुला लिया है। अम्मा वो साजन का माजी था, अब साजन एक बहुत अच्छा और शरीफ इंसान बन चुका है और मैं साजन से मोहब्बत भी करने लगी हूँ। है मोहब्बत? हाँ, और पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे लगा कि तुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। देखिए आंटी, मुझे मेरी माँ की, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और तारा से मैं दिल से प्यार करता हूँ। अल्लाह, ये मैं क्या कर बैठी, अब क्या होगा? वो पुलिस वाली तो आने वाली होगी, इसे पकड़ के ले जाएगी। अच्छा सुनो, एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आए हाय, खोलो मुझे, खोलो। अल्लाह जल्दी आओ, जल्दी खोलो भाई। अरे क्या हुआ ये सब? नजर नहीं आ रहा क्या हुआ? उस मनुष्य को पता चल गया कि पुलिस आने वाली है, वो मुझे बांध के चला गया। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन उसे ये सब बताया किसने? बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल करी हो, और कौन बताएगा, मैंने खुद बताया है। अरे आपको मना भी किया था अम्मा जी कि उसे नहीं बताना ये सब। अरे क्या अम्मा जी, अरे पुलिस वाली बाजी, मैंने बताया ना कि मुझे भूलने की बीमारी, बस भूल गई थी मैं और रवानी में बता दिया। वो साला फिर निकल गया हाथ से। वैसे साजन तुम बहुत जहीन हो। अच्छा वो कैसे? वो इस तरह कि अगर तुम सही वक्त पे आइडिया ना देते तो अभी तो इस वक्त हम सब पुलिस की वैन में होते। हाँ लेकिन फिर भी मैं सारा क्रेडिट तुम्हारी अम्मा को देता हूँ। क्यों? वो अगर इतनी अच्छी एक्टिंग ना करते तो शायद पुलिस अभी घर आके वापस भी जा चुकी होती। हाँ सही कह रहे हो साजन, एक मसला है। क्या? अम्मा ने आज अपनी याददाश्त की दवा नहीं खाई है। क्या मतलब, क्या कह रही हो, अब क्या होगा? मतलब ये कि पुलिस आई होगी तो अम्मा तो सब भूल गई होंगी कि क्या कहना है। तारा अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे लगता है कि अम्मा को लेने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। चलो चलो। अरे अम्मा ये रही, कहाँ जा रहे हो? अरे अम्मा तुम्हें याद रहा? अम्मा मुझे ये बताएं, दिलशाद कहाँ गई? कौन कौन दिलशाद? अम्मा वो पुलिस ऑफिसर जो हमें पकड़ने के लिए आ रही थी। हाय हाय, पुलिस तुम्हें पकड़ने क्यों आ रही थी? क्या कर लिया तुमने? हाय अल्लाह, ये दिन भी देखना था। हाय पुलिस आ गई घर पे। गई अम्मा की याददाश्त, अब क्या होगा साजन? हाँ माँ जी, आप मरी नारायण कागान देखना पसंद करेंगी? कहाँ है मरी नारायण? ये बराबर में। खाना मिलेगा? खाना पानी 5 मिनट में वापस आएंगे। आए चलो 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 लिखदा लिखदा माया मैं शायर हो गया।